नमस्कार, आप देख रहे हैं द पीके टाइम्स और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। कजरी तीज व्रत इस साल 21 अगस्त को था, लेकिन सूर्य उदय तिथि के आधार पर 22 अगस्त को भी कजरी तीज का व्रत रखा गया है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां संतान प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। बहुत समय पहले की बात है कि गांव में एक गरीब ब्राह्मण दंपति रहते थे। उसकी हालात इतनी दयनीय थी कि जैसे तैसे वो केवल दो वक्त का भोजन ही कर पाते थे। ऐसे में जब भाद्रपद महीने तृतीया तिथि की कजरी तीज आई तो ब्राह्मण की पत्नी ने कजरी तीज का व्रत रखने का संकल्प लिया और उसने तीज माता का व्रत रखा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा कि सुनो जी, आज मेरा तीज माता का व्रत है, आप कहीं से चने का सत्तू लेकर आओ। इस पर ब्राह्मण बोला, ओ भाग्यवान, देने के लिए दाम नहीं, मैं सत्तू कहाँ से लाऊं? तो ब्राह्मणी ने कहा कि मैं नहीं जानती, चाहे चोरी करो या चाहे डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सत्तू लेकर आओ। ये बात सुनकर ब्राह्मण परेशान हो गए कि आखिर बिना पैसे के वो सत्तू कहाँ से लेकर आए। ऐसे में सत्तू का प्रबंध करने के लिए रात को ब्राह्मण घर से निकला और साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने वहां से चने की दाल, घी और शक्कर लेकर 1.25 किलो सत्तू बना लिया। जैसे ही वो जाने लगा, दुकान के नौकर जाग गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। साहूकार भी आ गया और उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण ने सफाई दी, मैं चोर नहीं हूं, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूं। मेरी पत्नी का आज तीज माता का व्रत है, इसीलिए मैं सिर्फ यहाँ 1.25 किलो का सत्तू बनाकर ले जा रहा हूँ। साहूकार ने उसकी तलाशी ली, लेकिन उसके पास सत्तू के अलावा कुछ नहीं मिला। इधर चांद भी निकल आया था और ब्राह्मणी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार को दया आ गई। उसने कहा, आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानूंगा। साहूकार ने ब्राह्मण को सत्तू के साथ साथ गहने, रुपए, मेहंदी और बहुत सारा धन दिया। फिर सभी ने मिलकर कजरी माता की पूजा की। कहते हैं कि जिस तरह उस ब्राह्मण के दिन फिरे, उसी तरह कजरी माता की कृपा से आप सभी के दिन अच्छे आए और आप सभी सौभाग्यशाली बने। कजरी तीज के इस खास मौके पर हमारे संवाददाता दादू राम ने कुछ महिलाओं से बातचीत की और पूजा की विधि को जाना। देखिए वीडियो। मेरा नाम रजनी कुमावत है, मैं बाड़मेर से हूँ। आज कजरी तीज है, जिसे हम सातों की तीज भी बोलते हैं, और इस दिन सब कुमारी और सुहागिनी महिलाएं व्रत रखती है, पूजा करती है शिव पार्वती की, और सातू से हम व्रत छोड़ते हैं, पूरे दिन निराहार रहते हैं, झूला खाते हैं, और आज हम यहाँ पर झूला खाने आए हैं। अच्छा, पूरा दिन ऐसे भूखे प्यासे रहते हैं और शाम को कब ये मतलब चांद को देखे होता है? जब चांद को देखे हम अर्घ देते हैं, फिर उसकी कथा सुनते हैं, नीमड़ी माता की पूजा करते हैं, उसके बाद व्रत छोड़ते हैं। आज कैसा उत्साह यहाँ पे, क्या लग रहा है यहाँ पर? सब व्रत का ये है कि यहाँ पर हम झूला झूलने के बाद ही उपवास खोलते हैं। अच्छा, ऐसा मतलब नियम है कोई? हाँ, ऐसा मतलब कहा गया है। अच्छा, ये मतलब आप कब से देख रहे हैं, ये प्रथा कब से चली आ रही है, आपको कुछ पता है? ये हमारे जब पूर्वज है वहाँ से चली आ रही है, जब से हम बड़े हुए तब से घर में यही देखते आ रहे हैं। जिस तरह से करवा चौथ मनाते हैं, उसी तरह से हमारा तीज का मतलब देखा जाता है। आज अभी ये जो है ना सोशल मीडिया का दौर है, लोग फिर भी देखो ना सब ये त्यौहार अच्छे धूमधाम से मनाते हैं, और लेकिन ये तीज, ये छठ वगैरह, अब इनका कोई महत्व कम हुआ है या वैसा ही है जैसा पहले मना रहे? नहीं नहीं इनका महत्व कम नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत कम हुआ है, पर अभी भी जो यहाँ के पारंपरिक त्यौहार है उनका महत्व वैसा ही है।